इंद्री मंडल के गांव जोहड़ माजरा स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय को मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यकरण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। इसको लेकर पूरे गांव व स्कूल के अध्यापकों में खुशी का माहौल है। स्कूल स्टाफ व गांव के लोगों का कहना है कि हमारा अगला लक्ष्य जिला व प्रदेश स्तर पर स्कूल को प्रथम स्थान हासिल कराना होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए स्कूल के मुख्य अध्यापक डॉक्टर सुरेंद्र दत्त शर्मा ने बताया कि उपमंडल स्तरीय इस प्रतियोगिता में हल्के के कई स्कूलों ने भाग लिया था। इन स्कूलों के निरीक्षण के लिए SDM की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें तहसीलदार, BEO, दो स्कूल के प्रिंसिपल व कुछ अन्य लोगों को शामिल किया गया था। हमें बहुत खुशी है कि भी हमारा गांव जो है ब्लॉक स्तर पर सफाई में फर्स्ट आया है, और इसके लिए तो श्रेय हमारे स्टाफ को ही आता है स्कूल के, और हम आशा करते हैं भी हम डिस्ट्रिक्ट में भी और हरियाणा प्रांत में इस संघर्ष में भी हम अव्वल आएँ तो और भी अच्छी बात है। और हम तय दिल से गांववासी भी मास्टर जी के साथ साथ हैं और पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। जी हाँ जी, मैं बलविंदर कुमार जी, हमारे गाँव का स्कूल ब्लॉक लेवल पर फर्स्ट आया है, इस बात की बहुत खुशी हुई है, सारे गाँववासियों को खुशी है। जब से हमारे गांव में सुरेंद्र दत्त शर्मा जी प्रिंसिपल आए हैं, तब से हमारा स्कूल दिनों दिन तरक्की कर रहा है, और हम ये कोशिश करेंगे कि स्टाफ के साथ रल के जिला स्तर पर भी इसको फर्स्ट लाने की के लिए प्रयत्न करेंगे। सर धन्यवाद। नमस्कार, मैं किरण भाटिया, मैथ मिस्ट्रेस जोड़ माजरा। आज जो हमारे स्कूल का सौंदर्यकरण में प्रथम रिजल्ट आया है, उसके लिए मैं धन्यवाद हूँ, और आगे भी हम इसको और सुंदर बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। ये मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यकरण प्रतियोगिता प्रतिवर्ष होती है, और इस वर्ष जो है राजकीय माध्यमिक विद्यालय जोड़ माजरा की तरफ से हमने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, क्योंकि हमने स्कूल में पिछले काफ़ी समय से इसको सुंदरता और प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा बनाने के लिए भरसक प्रयास किया है। उसमें हमारा रिजल्ट आज ही खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा फ़ोन पर सूचना मुझे दी गई, और हमारा जो स्कूल है वो उपमंडल स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम रहा है, जिसमें काफ़ी मानक होते हैं, सफाई है, पानी की व्यवस्था, जल संरक्षण और बेंच बैठने की व्यवस्था, और ये सब व्यवस्थाएं मिला करके उसमें मानक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें हम जो हैं सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। और हमारे स्कूल को 50,000 रुपये हरियाणा मुख्यमंत्री सौंदर्यकरण प्रतियोगिता के तहत पुरस्कार राशि प्राप्त हुई है, जिसके लिए हम सभी स्टाफ का और गाँव वासियों का भी धन्यवाद करते हैं। इन लोगों का बड़ा सहयोग रहा इस स्कूल में। थैंक यू।